आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और शांतिपूर्ण वोटिंग करने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी करके रखा है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने संवेदनशील बूथ का दौरा कर असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने परासिया विधानसभा के संवेदनशील बूथों का दौरा किया। परासिया विधानसभा के रावनवाड़ा व जाटा छापर पहुंचकर मनोज पुष्प ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की बात कही। इस दौरान मनोज पुष्प ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो चुनाव के समय लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर सकते हैं। मतदान के दौरान अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। को पता है कि निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू है और डिफेसमेंट एक्ट पे, कोलाहल नियंत्रण पे और मोटर व्हीकल एक्ट पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ऐसे सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और इवनिंग मीटिंग्स ली जा रही है जो सेंसिटिव है और जिसके वल्नरेबल होने की संभावनाएँ हैं। वहाँ पर ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो मतदान की प्रक्रिया को दूषित करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं और ऐसी वल्नरेबिलिटी डेवलप करते हैं जिससे कि मतदाताओं को धमकाया डराया जाए या कुछ चीज़ें बांट के देखें उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए। इस पर पूरी तरीके से सख्ती का माहौल बनाने के लिए ऐसी बैठकें भी की जा रही है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी काम किया जा रहा है। वहीं जिला कप्तान विनायक वर्मा ने कहा कि आचार संहिता से जुड़े दिशा निर्देश और नियम लोगों को बताए जा रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की हमारी पूरी कोशिश है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को अंजाम देने वालों और शराब या कैश का प्रलोभन देकर वोट लेने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में माननीय डीएम साहब के साथ और प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस का भी भ्रमण रहा है। अभी हम डाटा छापर क्षेत्र में हैं और यहाँ वल्नरेबल एरियाज में हम लोग पब्लिक से संवाद कर रहे हैं। हम लोग तय कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कोई चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित कर सके और इस संबंध में क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी है, किन चीज़ों से सतर्क रहना है, उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पब्लिक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आदर्श आचार संहिता से प्रयास रहेगा कि पूर्ण तरह से चुनाव के इलेक्शन कराया जाए। किसी तरह का अवैध शराब, अवैध गतिविधि या गलत किस्म का प्रलोभन पूरी तरह से रोक सके और इसके लिए पुलिस बल पूरा सक्रिय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।